नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय एक ऐसी अद्भुत शख्सियत से करवाएंगे जिसका नाम आज भी विज्ञान, साइंस, खासकर गणित की दुनिया में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। सचमुच वह एक जीनियस थे और बहुत ही हैरत अंगेज कारनामे थे उनके विश्व में, गणित की दुनिया में। तो बात करेंगे हम आज नायक में महान गणितज्ञ श्रीनिवास एंगर रामानुजन की, एक ऐसी भारतीय प्रतिभा जिस पर न सिर्फ देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व को गर्व है। जिए तो वह सिर्फ 33 साल, लेकिन उस छोटी सी आयु में ही गणित की दुनिया में उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया कि आज भी रामानुजन का नाम बेहद सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे महान गणितज्ञ रामानुजन का दाखिला मद्रास विश्वविद्यालय में नहीं हो पाया था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से नीली स्याही से जिस कागज पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ होता था उस पर ही अपनी लाल कलम चलाया करते थे रामानुजन, और कैसे महज 30 साल की उम्र में रामानुजन ने जिंदगी को एक बहुत तेज रफ्तार देने की कोशिश की, और आखिर ऐसी क्या बात थी इस विलक्षण जीनियस में कि गणित के तो वह थे मास्टर, विद्वान, महाविद्वान, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लिटरेचर, हर दूसरे सब्जेक्ट में वह हमेशा फेल हो जाया करते थे। होंगी कई और बातें हमारे आज के नायक के बारे में। उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में, मद्रास से करीब 400 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में। ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। पिताजी एक कपड़े की दुकान में मुनीम का काम किया करते थे। घर के आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। दो छोटे भाई थे, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत बचपन में ही हो गई थी, और सिर्फ 2 साल के जब थे रामानुजन तब वह भी चेचक की चपेट में आ गए थे। बहुत ही मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। स्थिति ये थी कि 3 वर्ष की आयु तक तो रामानुजन साहब ने बोलना भी शुरू नहीं किया था। फिर आखिर उस समय कोई कैसे इस बात का अनुमान लगा सकता था कि बड़े होके यही बच्चा इतना नाम कमाएगा, इतना बड़ा गणितज्ञ बनेगा। पढ़ाई लिखाई में उनका कभी कोई खास मन लगता नहीं था। मन लगता था तो सिर्फ एक विषय में, और वह था गणित। 10 साल की उम्र में जब रामानुजन 3री कक्षा में थे तो एक दिलचस्प वाक्या हुआ। गणित की क्लास चल रही थी। अध्यापक ने बच्चों को कहा कि अगर 3 केले 3 व्यक्तियों में बांटे जाए तो फिर सभी को एक एक केला मिलेगा। उसी तरह अगर 1000 केलों को 1000 लोगों में बांटा जाए तब भी हर व्यक्ति के हिस्से में एक ही केला आएगा। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर होगा 1। रामानुजन तपाक से खड़े हुए और उन्होंने सवाल किया कि अगर 0 को 0 से भाग दिया जाए तब भी क्या उत्तर 1 ही होगा। अब इतनी नन्ही उम्र के बालक से इतना सूझबूझ भरा सवाल सुन अध्यापक भी अवाक रह गए। अवाक शायद इसलिए भी रह गए क्योंकि सही उत्तर अध्यापक महोदय को भी नहीं मालूम था, और शायद दुनिया में उस समय उस प्रश्न के एक्यूरेट आंसर के बारे में किसी को भी कोई विशेष जानकारी थी। यह वह दौर था जब पूरे विश्व में 0 पर काफी शोध चल रहा था। कौन सोच सकता था तब कि यही नन्ना बालक बड़ा होकर 0 के विषय का सबसे बड़ा विद्वान बनेगा, इस विषय पर शोध कर बहुत नाम कमाएगा। यानी 0 और 0 में दिलचस्पी तो रामानुजन की बचपन से ही थी, लेकिन फिर भी गणित में इतने तेज होने के बावजूद मद्रास यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। वजह भी उसकी स्पष्ट थी कि रामानुजन की दिलचस्पी सिर्फ गणित में थी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में वह फेल हो जाया करते थे। जब रामानुजन साहब की उम्र 11 वर्ष की थी, टाउन हाई स्कूल में वह पढ़ा करते थे, तब उनके हाथ लगी गणित की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, जीएस कार द्वारा लिखी गई सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स। उस समय रामानुजन को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि 1856 में प्रकाशित यह पुस्तक आउट ऑफ डेट मानी जाती है। इस तथ्य से अनभिज्ञ रामानुजन साहब ने तो उसी किताब को अपना गुरु माना और उसी के जरिए गणित में आगे बढ़ना शुरू किया। उसी पुस्तक के बल पर उन्होंने कई नई थ्योरम सॉल्व की, कई फॉर्मूले इजाद किए, कुछ ऐसी बातें गणित की दुनिया को देकर गए जिसका लोहा आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणितज्ञ मानते हैं।
तो गणित के प्रति ऐसी दीवानगी थी रामानुजन साहब की कि बाकी सब्जेक्ट्स पर चूंकि ध्यान नहीं देते थे, अच्छे नंबर ला नहीं पाते थे, इसलिए मद्रास यूनिवर्सिटी ने उनके मैथमेटिकल जीनियस को कबूल करने के बावजूद उन्हें दाखिला नहीं दिया। हौसला चाहिए बिखरने में, आओ खुद को गुबार कर बैठे। कुछ इसी फलसफे पर रामानुजन साहब अपनी जिंदगी को जी रहे थे। गणित को लेकर उनकी दीवानगी का आलम यह था कि तमाम तकलीफों दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए बस वह तो अपने गणित के इश्क में डूबे रहते थे। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, गणित के अतिरिक्त तो बाकी सभी विषयों में वह फेल हो जाते थे। उनको एक स्कॉलरशिप भी मिलनी शुरू हुई थी, वो भी इसी वजह से बंद हो गई कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप कुछ नंबर ला ही नहीं पाते, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वजीफा किस वजह से। तंग आकर आखिर एक दिन रामानुजन घर से भाग गए। घर से तो भाग गए लेकिन गणित की दीवानगी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बदहाली के बीच ही 1908 में उनको एक जबरदस्त बीमारी ने भी जकड़ लिया। बड़ी जटिल सर्जरी हुई उनकी। घर वालों को तरस आया, मना समझाकर उन्हें वापस घर ले जाया गया, शादी कर दी गई उनकी। 22 साल की उम्र में रामानुजन जी की 10 साल की एक कन्या से विवाह हुआ। घर वालों को उम्मीद थी कि रामानुजन शादी के बाद कुछ संभल जाएंगे, कुछ व्यवहारिक हो जाएंगे, कुछ नौकरी चाकरी पकड़ लेंगे, गृहस्थी में उलझ कर अपने जीवन को सामान्य नॉर्मल बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौकरी तलाश करने की कोशिश जरूर करते थे रामानुजन, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ आलम यह था कि गणित के लिए उनकी दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही थी। घर के हालत इतने खस्ता थे कि गणित की पढ़ाई लिखाई के लिए भी बड़ा जीवट दिखाना पड़ता था, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। जो कुछ भी वह लिखना पढ़ना चाहते थे उसके लिए उनके पास कागज तक नहीं हुआ करते थे। लिहाजा रामानुजन रोज सुबह कूड़ेदान के पास जाते थे, सड़क पर पड़े हुए कागजों को बीनते थे, स्कूल कॉलेज के आसपास जहां कहीं भी कागज का ढेर होता था वहां पहुंचते थे और कागजों के ढेर में से कुछ रिलेटिवली साफ सुथरे पन्नों को उठाकर ले आते थे, लेकिन उन पन्नों पर भी नीली स्याही से काली कलम से कुछ न कुछ लिखा हुआ अवश्य होता था। बस अब रामानुजन साहब उन्हीं पन्नों को समेट के उनको कुछ सीधा करके उस पर अपना काम नए सिरे से करने का प्रयास करते थे, अपनी थ्योरम सॉल्व करते, अपने फॉर्मूले इजाद करते और लाल या नीली स्याही से जिस कागज पर पहले से ही लिखा होता था उस पर अपनी लाल कलम चलाया करते थे। आगे जाकर कागजों का यही पुलिंदा रामानुजन नोटबुक्स की तरह प्रसिद्ध हुआ और इस गणितज्ञ को इस नोटबुक ने बहुत यश दिलाया। आज कंप्यूटर का जमाना है, दुनिया भर में मैथमेटिशियंस वैज्ञानिक रामानुजन नोटबुक पर रिसर्च कर रहे हैं। किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि वह नोटबुक किन सर्कमस्टेंसेस में किन परिस्थितियों में तैयार हुई थी। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आज उनके द्वारा लिखे गए फॉर्मूले और थ्योरम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनों ने पीएचडी डिग्री रामानुजन के काम पर हासिल किए और हजारों की संख्या में लोग अभी भी उनके काम पर शोध कर रहे हैं। बताऊंगा मैं आपको आगे कि कैसे जिस लड़के को मद्रास यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया वह पहुंच गया एक दिन अपने जीवट के बल पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हुआ कुछ यूं कि रामानुजन साहब की शादी हो चुकी थी, घर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, पिताजी के भी हालात अच्छे नहीं थे। दर दर नौकरी के लिए भटकते हुए रामानुजन साहब पहुंच गए रामचंद्र राव के पास, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे और रामानुजन के काम से परिचित थे। अब जब रामचंद्र राव रामानुजन से पहली बार मिले तो स्वयं रामचंद्र राव ने उस मुलाकात का बखान किया है, अपने पहले इम्प्रेशंस के बारे में लिखा है और कहा उन्होंने कि एक ठिगने से बहुत ही मामूली से लगने वाले इंसान से मुलाकात हुई उनकी, कुछ मोटा सा शख्स, दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी, बेतरतीब साफ सुथरा भी नहीं, लेकिन आंखें उसकी बड़ी चमक रही थी और हाथ में उसके एक नोटबुक थी। बहुत ही गरीब निरीह सा प्राणी लग रहा था रामचंद्र राव। लेकिन उसी मुलाकात के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि जब रामानुजन ने अपनी नोटबुक खोली और बोलना शुरू किया तब राव साहब को समझ में आया कि उनकी मुलाकात एक जीनियस से हो रही है, एक महान गणितज्ञ से हो रही है। खैर, तरस खाया रामचंद्र राव ने रामानुजन पर, उन्हें मद्रास पोर्ट्स भेज दिया
और वहाँ एक क्लर्क की नौकरी उन्हें मिल गई। नौकरी तो रामानुजन बाबू की कर रहे थे, लेकिन उस दफ्तर का डस्टबिन जब भी खाली किया जाता तो बस कागजों के ढेर निकलते और उन सब पे लिखे होते गणित के सवाल, गणित की थ्योरम्स, गणित के फॉर्मूले। मतलब मद्रास पोर्ट्स में भी उन दिनों काम गणित पर ही चलता रहा। 1913 में रामानुजन की किस्मत ने एक अच्छा सकारात्मक मोड़ लिया। उनका संपर्क हुआ प्रोफेसर जीसी हार्डी से, जो कैम्ब्रिज में पढ़ाया करते थे। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को कुछ अपनी थ्योरम्स भेजी। उससे प्रोफेसर हार्डी काफी प्रभावित हुए। पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ दोनों के बीच, जो लगभग एक वर्ष तक चला। 1914 में प्रोफेसर हार्डी ने आमंत्रित किया रामानुजन जी को कैम्ब्रिज आने के लिए। वहाँ के सुप्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन को बुलाया गया। तो देखिए साहब, किस्मत ने कैसी करवट ली। जिस लड़के को मद्रास यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया, वह पहुंच गया कैम्ब्रिज, और वह भी कैम्ब्रिज के फॉर्मल इनविटेशन पर। रामानुजन साहब न सिर्फ कैम्ब्रिज पहुंचे, बल्कि वहां पहुंचने के 3 दिनों में ही उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उसके बाद तो जैसे उनके जीवन में सम्मान, उपाधियों और प्रशंसा की झड़ी सी लग गई। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि रामानुजन जी के ज्ञान की सीमाएं उतनी ही चौंका देने वाली थीं, उतनी ही अचरज पैदा कर देने वाली थीं, जितना कि उनका ज्ञान का असीम भंडार और गणित के बारे में उनकी गहरी समझ। उनको एक ट्यूटर असाइन किया प्रोफेसर हार्डी ने, जिसका नाम था लिटिल वुड। ट्यूटर इसलिए असाइन किया गया क्योंकि रामानुजन जी को गणित की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो उनकी बेसिक सही की जाए, उनकी नींव सही रखी जाए, इसलिए प्रोफेसर हार्डी ने सोचा एक ट्यूटर अगर मिल जाएगा उन्हें तो उनका काम आसान हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ उस ट्यूटर का अनुभव रामानुजन जी के संदर्भ में। लिटिल वुड लिखते हैं कि जब भी वे कोई नई बात बताने का प्रयास करते थे रामानुजन को, कोई बुनियादी चीज समझाने का प्रयास करते थे, तो इतने सवाल होते थे रामानुजन जी के, इतने नए और ओरिजिनल आइडियाज वह देते थे, तो खुद लिटिल वुड अपने द्वारा जो समझाने का प्रयास कर रहे थे उसको भूल के रामानुजन जी के ज्ञान के सागर में जैसे डुबकियां लेने लगते थे। मतलब ये है कि बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक फाउंडेशन के भी रामानुजन जब कैम्ब्रिज पहुंचे 7 समुद्र पार, तो उनकी विद्वता से वहां के महान गणितज्ञों की दुनिया भी जैसे हिल गई थी। कैम्ब्रिज पहुंचने के फौरन बाद ही रामानुजन ने गणित के सूत्रों से कई नई कल्पनाओं का सृजन करना शुरू किया। उनके लिखे हुए लेख उच्च कोटि की पत्रिकाओं में, रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित होने लगे और 1918 में, मतलब इंग्लैंड पहुंचने के एक ही साल में, रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और ट्रिनिटी कॉलेज सोसाइटी कैम्ब्रिज, तीनों का ही फेलो चुन लिया गया। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा सम्मान था एक ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था। उस दौर में एक अश्वेत व्यक्ति जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, उसको इतने भारी भरकम सम्मान दिए गए। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और रामानुजन साहब को इस बात का गौरव आज भी प्राप्त है। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है कि उनसे छोटी उम्र का कोई भी व्यक्ति आज तक रॉयल सोसाइटी का मेंबर नहीं बना है। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां एक तरफ कामयाबी और सफलता रामानुजन के कदम चूम रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। टीबी की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। डॉक्टर अब उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे रहे थे। कई चांद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए। जी हाँ, एक ऐसा चांद थे रामानुजन भारतीय विज्ञान के क्षितिज पर, जिसकी चांदनी हमें आज तक प्रकाश दे रही है, आज तक प्रेरित कर रही है। लेकिन वह खुद हमारे बीच बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए। एक तरफ जहां उनके पीछे कैम्ब्रिज में सफलता, सम्मान, डिग्रियां भाग रही थीं, दूसरी तरफ जैसे जिंदगी की घड़ी की टिक टिक भी उसी गति से तेज चल रही थी। टीबी से वह ग्रसित थे और डॉक्टरों का सुझाव था कि चूंकि अब कम वक्त रह गया है, बेहतर हो कि वह वापस स्वदेश चले जाएं अपने घर वालों के बीच। 1919 में रामानुजन इंग्लैंड से वापस भारत आ गए। अंतिम समय उनका ज्यादातर चारपाई पर ही बीता, लेकिन चारपाई पर भी लेटे लेटे पेट के बल कागज पर रामानुजन बहुत तेजी से लिखते थे।
मानो उनके मस्तिष्क में गणितीय विचारों की आंधी चल रही हो। रामानुजन भली भांति समझ चुके थे कि उनके पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन कहने को करने को उनके पास बहुत कुछ था। गणित की दुनिया को वे बहुत कुछ और देकर जाना चाहते थे और अंतिम श्वास तक उनका प्रयास यही रहा कि जो भी उनके मन मस्तिष्क में गणित के संदर्भ में हो, जितने प्रिंसिपल्स, जितनी थ्योरीज, जितने थ्योरम्स, जितना हो सब कुछ वे लिख जाएं। अपने इस अंतिम दौर में रामानुजन जी ने जो कुछ लिखा, और बहुत कुछ लिखा उन्होंने, वह अब तक विज्ञान और गणित की दुनिया में शोध का विषय है। 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में उनका लिखा करीब 100 पन्ने का रजिस्टर वहां के स्टूडेंट्स को मिला था। फौरन ही वह रजिस्टर वैज्ञानिकों के हवाले कर दिया गया। आज तक उस रजिस्टर पे काम हो रहा है, शोध हो रहा है। अनंत और शून्य के क्षेत्र में रामानुजन का काम गणितज्ञों को आज तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। भारत सरकार ने 1975 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया, उन पर एक म्यूजियम स्थापित किया गया है, एक फिल्म भी बनी है उन पे, और किताबें तो उन पर कई लिखी गई हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत अल्पायु में रामानुजन जी ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन उस कम समय में भी जो कुछ वह कर गए वह आज भी सम्मान और आदर से याद किया जाता है, और जो गणित की दुनिया में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दुनिया में अपने आप में एक मिसाल की तरह से देखा जाता है। ऐसे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक रामानुजन जी को हमारा कोटि कोटि नमन। बहुत जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा मैं आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।